लोनी के नसबंदी कॉलोनी में रहने वाले कबीर की खुद उसके ही साले ने गोली मारकर हत्या कर दी। कबीर के परिजनों का कहना है कि कबीर और उसके साले सीटू में किसी बात को लेकर कहां सुनी हो गई और सीटू को ये बात हजम नहीं हुई और वह अपने साथी मकसूद के साथ कबीर के घर आया और दोनों ने मिलकर कबीर पर ताबड़तोड़ गोली चला दी जो कबीर के सीने में लग गई। कबीर को लहूलुहान देख परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों को आता देख आरोपी सीटू और मकसूद भागने लगे। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकसूद को गिरफ्तार कर लिया जबकि सीटू मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मकसूद के पास से तमंचा बरामद किया और सीटू की तलाश में जुट गई है। क्या हुआ था उनके साथ? जी एक दिन पापा को चलाया के बाहर ऑटो बैठे थे नानी गली के पास, तो नानी बाहर निकल के आए तो नानी गाली बकने लग गई, तो फिर मम्मी निकल के आई तो मम्मी कह रही गाली की बक रही हूँ, इस चक्कर में गाली के चक्कर में मारपीट होने लग गई, तो फिर मकसूद निकल के बाइक पे मामा के साथ जाके बंदूक की गोली फेंक के यहाँ पर बंदूक में गोली लगा के पहले तो मेरे मामा ने यहाँ पर फायर किया, फिर पापा ने गोली चलाया ना मारे मामा ने फायर करा, तो फिर मामा ने आके पापा ने आके गेट बंद करके, फिर पापा ने जैसे गेट बंद करे फिर लात मारे मकसूद ने, पापा ने चीर दिया, फिर चिंतू ने गोली मार दिया। मामा का क्या नाम है तुम्हारे? मामा का नाम चिंतू। और गोली किसने मारी? मकसूद ने। मामा ने क्या किया था? मामा ने नहीं मारा मगर मकसूद ने मारा। तो एक गोली और चली है उन पर, वो किसने चलाया? वो सिंधु दोनों थे, पहले मकसूद ने मारा फिर सिंधु ने मारा। हमारे मामा ने दोनों ने साथ में मिलकर हत्या की। आपके परिवार में कौन कौन है? जी मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे नाना है, मेरे एक भाई है और मेरे हम पांच हैं। कब से रह रहे हो बेटा? जी यहाँ से 10 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। पुलिस आई थी? जी। पुलिस ने क्या कहा? मकसूद के बारे में कुछ इंक्वायरी लेके चला है। किसी की गिरफ्तारी? जी। किसकी? मकसूद की। मकसूद की। और चिंटू? चिंटू तो भाग गया वो। चिंटू भाग गया। जी बता कहाँ पर भाग गया वो? दिल्ली में वो। ये आपसे किसने बताया? जी यहाँ पर एक आदमी आया था उन्होंने बताया। कोई रिश्तेदार? जी वहाँ रिश्तेदार तो नहीं है उसके। जी वहाँ पर घूमते हुए देखा था 14 नंबर गली में। यहाँ पर हुआ था गोली चला। यहाँ पर गोली चला किस समय? इस समय कोई 7:30 बज रहा था रात के। हाँ। किसके गोली लगी? कबीर शेख को। कौन है वो आपके? दामाद हैं। दामाद। क्या हुआ था विस्तार से बताएं। हैं? विस्तार से बताएं क्या हुआ था, किस बात को लेकर गोली चली? हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, कबीर भी था, एक दो आदमी और भी था, उधर से गाड़ी बकना शुरू किया लोग, बता बाची हुआ उन लोग से, कबीर वहाँ हटा के यहाँ खड़ा हो गया। यहाँ खड़ा हो गया तो दोनों पिस्टल लेके आया उधर से, एक साथ ही गोली मारा तो सेंटर में लगा जाके, और सेंटर में लगा तो कबीर मारा भागा भागा है घर में घुस के कैमाली बंद करना गया, लात पे मारा कबीर गिर गया, उसके बाद गोली मार दिया, दुआरे पे गोली मारा दरवाजे पर। आपस में क्या रिश्ता उनका? वो सास का घर है। वो सास का घर है जिसने गोली मारी, वो क्या लगता है इसमें? सिंटू सार है। ये कोई नहीं है, मकसूद बांग्लादेशी है। मकसूद बांग्लादेशी है। हाँ। और सिंटू साला लगता है। साला है। साला रखता है। मतलब अपने बहनों को गोली मारी। हाँ। गोली लगा इसका, मकसूद का गोली लगा इसको। कोई गिरफ्तारी? हाँ गिरफ्तार मकसूद है। मकसूद। और सिंटू? सिंटू फरार है। सिंटू फरार है। क्या बच्चे हैं इनके? 5 लड़की है। 5 लड़की। कब से रह रहे हैं यहाँ? कम से कम 10-12 बरस से रहता है। 10-12 साल से। किसी से कोई रंजिश इनसे आपस में? आपस में कोई रंजिश? आपस में तो कोई बात नहीं करें, बस बांग्लादेश से सबसे झगड़ा का जोर था, पुलिस से सारे इंसाफ को खुश में हो कर जाएंगे, उसका 5 बच्चे भी आगे हुए।